हरखौदा एसडीएम ने दिए नालों पर हुए अतिक्रमण को हटाने के आदेश, लापरवाही हुई तो नपेंगे कर्मचारी। एसडीएम हरखौदा डॉक्टर अनमोल ने शुक्रवार को नगरपालिका कार्यालय में अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सभी के कार्यों की रिपोर्ट मांगी और स्पष्ट किया कि कोई भी कर्मचारी अपने काम में लापरवाही ना बरते। एसडीएम ने इस दौरान कहा कि जिस जगह के नगरपालिका केस जीत चुकी है, उन जमीनों पर अपने कब्जे लेने का काम नपा तत्काल रूप से करें। वहीं उन्होंने कहा कि वकील, पैरोकार व पटवारी की लापरवाही कारण कोई केस हारना नहीं चाहिए। अगर कोई वकील लापरवाही कर रहा है तो उसे पैनल से बाहर करें। एसडीएम ने कहा कि शहर में पानी निकासी और गंदगी उठान की बड़ी समस्या है। इस पर सभी ध्यान देते हुए साल के बाकी बचे दिनों में मेहनत करें और शहर को साफ करने का काम करें। उन्होंने इस दौरान नपा द्वारा एकत्रित किए गए गृहकर का डेटा मांगा और कहा कि टारगेट 30 लाख का था लेकिन 17 लाख रुपए ही जुटाए जा सके हैं। ऐसे में लगातार शहरवासियों को जागरूक करने का काम किया जाए ताकि लोग गृहकर जमा करवाएं। इसके साथ ही शहर में नालों पर हुए अतिक्रमण को हटाते हुए साफ करने की कार्रवाई को जारी रखा जाए, जिसके लिए सख्ती के साथ शहर की सड़कों व नालों पर से अतिक्रमण हटाने का काम होना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर इस दौरान किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही पाई जाती है तो वह कार्रवाई के लिए तैयार रहे। एसडीएम ने बैठक के दौरान सभी सरकारी विभागों पर बकाया गृहकर को लेकर भी जवाब मांगा, जिसमें बात करें तो अकेले बिजली निगम पर 2 करोड़ रुपए बकाया की बात सामने आई है। एसडीएम ने सभी सरकारी विभागों से गृहकर भरवाने के लिए सूचित करने को कहा है। इस अवसर पर नपा सचिव संदीप कुमार, एसडीओ मंजीत राठी, जे सुरेश, क्लर्क कृष्ण रामेश्वर सहित अन्य स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। नहीं सर, तो करो लेकिन पता नहीं है सारे लोगों को ये बात, तो ये इनको बताओ ये आए कब तक नहीं मतलब मंडे को यार ट्यूसडे को मेरा ये है उसमें एक बहुत सॉफ्टवेयर गहरा बनाकर ताकि वहाँ पानी खड़ा ना हो, मुझे एक्स्ट्रा हाउस पावर मोटर डालनी पड़े। तो ये आप बाय मंडे आप मेरे को बता दोगे इसको कि ये हो गया, क्योंकि वो राजवीर की गली और एक ही गली सी थी घर के आसपास, बहुत वो आता है कूड़ा काड़ा क्या था ये इसके साथ में जो घर है जो मतलब बिल्डिंग स्ट्रक्चर है तो क्या मतलब वो उसका अगर मान लो कि आपने कोई एंट्री करी और वो गलत हो गई या उसने तो उसके पास कोई चॉइस है कि उसे ठीक कर पाए? हमें कागज मतलब तो कागज अपने प्रूफ देगा ना कि जब मेरी आईडी है कल आईडी गलत निकली तो उसके मतलब हमने कुछ करना होगा तो मैं हम मौका भी देख आस पास के लोगों से पूछ ही लेना चाहिए तुम्हारी कोई ऐसी है कोई किसी की डिमांड है तो उसको ऐसे रेज करो कि इट इज अ डिमांड। उसी में विंडो कौन देखता है क्या पेंडेंसी है क्यों है हर केस उसको बुलाओ पोजीशन में और कूड़े का क्या हाल है उतनी ही गाड़ियां भेज रहा है कि नहीं भेज रहा एंड देन रिपोर्ट एंड टेक नेसेसरी एक्शन ठीक है व्हाटएवर एक्शन इज ड्यू।
नगर पालिका में जो विभिन्न जो विकास कार्यों को लेकर और जो अलग अलग पोर्टल जो काम कर रहे हैं उनको लेकर कर्मचारियों की रूटीन मीटिंग थी। उसके बाद एक मतदाता नए अभी हमारा SSR चल रहा है जिसमें नए मतदाता बनाने के लिए हमने एक स्पेशल रिक्शा इसको रवाना किया है ताकि लोगों में जागरूकता आ सके और जो भी नए एलिजिबल वोटर्स हैं 18 और 19 साल के उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो अपने वोट बनवा सकें। मीटिंग में क्या रहा मैडम, क्या कुछ आदेश दिए गए? मीटिंग में सभी जो भी इंचार्जेस थे विभागों जो भी ब्रांचेस के उनको ये निर्देश दिया गया कोई भी काम जनता का पेंडिंग ना रहे, जो भी सर्विसेज राइट टू सर्विस एक्ट के तहत आती है वो विद इन टाइम उनको डिलीवर की जाए, लोगों को असिस्टेंस दी जाए ताकि उनको जैसे कोई प्रॉपर्टी टैक्स है उसके बारे में अगर नॉलेज नहीं है या कोई गैप है तो वो दैट शुड बी फुलफिल्ड, और जो यहाँ लोग आए उनको अच्छे से अटेंड किया जाए और उनको विद इन टाइम जो सर्विस है वो डिलीवर की जाए। एक साफ सफाई को लेकर अभी कुछ बताया गया, क्या कुछ मामला? पूरी किसी भी खरखोदा में पूरी ये निर्देश दिए गए हैं कि पूरे खरखोदा में कहीं भी कूड़े का ढेर ना हो और कहीं भी पानी खड़ा ना हो, क्योंकि खरखोदा की जो मेन समस्याएं हैं वो पानी और ये कूड़े जो साफ सफाई को लेकर उसके लेकर संबंधित को यही निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी पानी खड़ा ना हो और कहीं भी कूड़े की वजह से, और अभी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी एक विशेष अभियान चलाया गया है कि किसी भी खाली प्लॉट में भी कहीं भी कचरा जमा ना हो। एक मैडम, नगर पालिका की जो जमीन है उस पर सूचना पर नगर पालिका द्वारा लगाए गए थे उनको उखाड़ के ले जाने का मामला बताया जा रहा है, उस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई? अभी हमने फील्ड स्टाफ को वहाँ भेजा हुआ है और अगर ऐसा कुछ मिलता है तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और नगर पालिका की जो जमीन है उस पर सूचना पर सुचारू रूप से हम इंश्योर करेंगे कि वहाँ लगा हुआ है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को।